चुका है अब। तो सबसे पहले गेट बंद कर लेते हैं क्योंकि अभी भी सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी बाइक पे चढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे मोटोलॉगिंग मोड पे। तो अभी किलोमीटर दिखा रहा है 28,448 और आज का जो राइड है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो है अराउंड मेरे घर से 167 किलोमीटर और धूलागढ़ से अगर देखा जाए तो 146 किलोमीटर। तो सबसे पहले जय माता दी, जय भोलेनाथ, सबका साथ भोलेनाथ। भोलेनाथ का नाम लेके अभी मैं निकल पड़ा हूँ और इस राइड पे, और इस राइड पे टोटल हम लोग 5 जन जाने वाले हैं। तो सबसे पहले दीपक फ्रॉम गोरिया, उसके बाद विश्वजीत फ्रॉम टालीगंज, और उसके बाद आएगा अपना PTS पे प्रणय, और मेरा एक भाई है जो है सुमन, वो आ रहा है दक्षिणेश्वर से, तो वो डायरेक्टली अपने को मिलेगा अपना जो मीटअप पॉइंट है धूलागढ़ टोल प्लाजा क्रॉस करके जो चाय का दुकान है वहाँ पे। गुड मॉर्निंग, वणक्कम, सुप्रभात, केम छो, सत श्री अकाल, दोस्तों की हाल चाल, बड़े को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। क्या सरप्राइज, देखो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आए हो, और थंबनेल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये वीडियो किस बारे में है। लग रहा है दीपक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ये रहा दीपक। निकलते हैं गड़िया से टुवर्ड्स धूलागढ़ टोल प्लाजा, यहाँ पे रुकेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज का डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, ये एक संडे राइड है, देखा जाए तो वन डे राइड है, तो राइड का मज़ा तो भाई राइड में ही आता है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेस कोर्स के पास है PTS में अपना चौथा मेंबर जो है प्रणय, वो मिलने वाला है। ये देखिए प्रणय, सब रेडी। और अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बारिश हुई थी जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और अभी रास्ता तो आप देख ही सकते हो, रास्ता गीला गीला है क्योंकि बारिश हुई थी, और बारिश होने से एक अच्छी चीज़ हो गई कि वेदर बढ़िया हो गया, उतनी गर्मी आज लगेगी नहीं मेरे ख्याल से, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी आप देख सकते हो कि सातरागाछी में जो जैम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अपने को साइड से निकलना पड़ेगा नहीं तो इस जैम से हम लोग निकल नहीं पाएंगे, देखते हैं कहाँ कितना दूर साइड से पहुँच पाते हैं। आज बहुत आगे से जैम लग गया है, बहुत आगे से, इतना आगे से जैम नॉर्मली लगता नहीं है क्योंकि ये पेट्रोल पम्प जो है यहाँ पे पूरा खाली रहता है नॉर्मली, लेकिन आज थोड़ा आगे से ही जैम लग चुका है। तो अभी हम लोग एक जंक्शन में आ चुके हैं जहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ एक्चुअली। जंक्शन से एक्चुअली क्या होता है कि लेफ्ट अगर जाते हो तो आपको धूलागढ़ की तरफ जाना पड़ता है, और अगर आप सीधा ब्रिज से चले जाओगे तो आपको आप डानपुर की तरफ चले जाओगे दिल्ली रोड, और लेफ्ट से है बॉम्बे रोड, और लेफ्ट से आप दिखा मंदारमुनि के टाइम पर आपने देखा होगा कि मैं लेफ्ट से गया हूँ, और जैसे कि मैंने लास्ट संडे जो राइड किया था वो डानपुर टोल प्लाजा क्रॉस करके किया था, तो तब हम लोग इस तरफ से गए थे, तो आज हम लोग इस तरफ से जाएंगे, डानपुर टोल प्लाजा नहीं जाएंगे। तो फाइनली आ चुका है आज के दिन का दूसरा टोल जो कि सामने होने वाला है धूलागढ़, धूलागढ़ टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, अपने फिफ्थ मेंबर से मिलेंगे और चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद इधर तो कोई और कोई ब्रेक होगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग जगह पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। और क्रॉस कर रहे हैं धूलागढ़ टोल, और उस धूलागढ़ टोल क्रॉस करके जो अपना हाईवे नेस्ट इन है चाय का दुकान, वहाँ पर चलना है। तो फिलहाल ये है हाईवे नेस्ट, यहाँ पे जाना है, जाके चाय वाय पीना है। सो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं धूलागढ़ हाईवे नेस्टिंग से, चाय वाय पी लिया, फ्रेश हो लिया, अब देखते हैं कहाँ ब्रेक लेते हैं, शायद कोलाघाट में हम लोग नहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, उससे आगे चले जाएंगे, और जहाँ पे भूख लगेगा वहीं पे बेसिकली हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6:48, अभी तक मैं 66 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका हूँ, अभी धूप भी आना शुरू हो गया है, अगर आप रास्ते पे देख सकते हो तो मेरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मतलब धूप भी, मतलब सूरज मामा उग चुके हैं। वैसे तो सुबह को बारिश हुई थी, सोचा था कि आज जो वेदर है बादलों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन बादल तो हट गए हैं भाई, तो अभी फिर से सूरज मामा उग चुके हैं, और सूरज मामा उगते हैं इसका मतलब है कि गर्मी लग सकती है। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं कोलाघाट ब्रिज, और अभी क्रॉस करेंगे कोलाघाट, और ये रहा कोलाघाट का जो ट्रेन का ब्रिज है, और ये नीचे रूपनारायण नदी बह रही है। We're chasing the easy life.
चलिए चलते हैं दोबारा मंजिल की ओर। ये है रामपुरा टोल प्लाजा। तो अभी हम लोगों ने NH 60 से राइट ले लिया है और उसके बाद आगे से और एक राइट दिखा रहा है। ये है बेलदा, इस एरिया का नाम है बेलदा। तो बेलदा की तरफ हम लोगों ने राइट ले लिया है और आगे जाके दोबारा और एक राइट लेना पड़ेगा टूवर्ड्स KCRG मेरे ख्याल से। तो चलिए वो वाला राइट हम लोग ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा तो NH छोड़ के अंदर आ चुके हैं तो थोड़ा सा तो स्पीड घटेगा ही। तो ये है बेलदा रूरल हॉस्पिटल का रास्ता, तो इस रास्ते पे हम लोग अभी घुस गए हैं। तो यहाँ से KCRE 12 किलोमीटर है। बेसिकली हम लोग को KCRE जाना है क्योंकि KCRE से गगनेश्वर जो गांव है उस गांव में है ये कुरुम्बेरा फोर्ट। तो कहीं यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट। एग्जैक्ट लेफ्ट कहाँ है भाई? ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा अपने को। अब थोड़ा सा गांव के अंदर गांव वाला रास्ता, लेकिन अच्छा है, कंक्रीट है, ऐसा नहीं मिट्टी विट्टी का रास्ता नहीं है, फुल कंक्रीट है। तो ये रहा कुरुम्बेरा फोर्ट। ये बाहर से अभी ऐसा है, देखना पड़ेगा अंदर से कैसा होता है। काफ़ी गर्मी है, आप देख सकते हो क्या पसीने पसीने हाल हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं कुरुम्बेरा फोर्ट। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल, उड़ीसा के कोई टेम्पल्स में अगर आपने विजिट किया है तो उसमें सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी कि जो दीवार है, जो पिलर्स है, वो थोड़े से सटे हुए हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है उड़िया आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है। जो ये फोर्ट देख रहे हो ये बनाया गया था 1438 से लेके 1469 में। तो ये बना था यहाँ के सूर्यवंशा किंग गजपत कपिलेंद्र देवा के टाइम पे। आप जो बीच में ये तीन गुंबज टाइप का आप देख रहे हो वो शायद औरंगजेब के टाइम पे बनाया गया था। तो ये बेसिकली अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड है, लेकिन इस जगह के बारे में उतनी डिटेल्स किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कहा जाता है कि 1568 में जब अफगान सुल्तान, बंगाल और बिहार के जो अफगान सुल्तान थे, उन्होंने जब उड़ीसा पे आक्रमण किया था, इस एरिया को पांच सरकार्स में बांटा था। तो ये वाला जो जगह है ये जौलेश्वर सरकार में पड़ता है। दोबारा इसको तोड़ा गया बनाया गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो बचा खुचा है अगर देखा जाए तो 600 साल पुराना एक जगह है। नॉर्मल इसको फोर्ट कहते हैं, लेकिन अगर आर्किटेक्चर देखो, क्योंकि मैं आगरा फोर्ट देख चुका हूँ, रेड फोर्ट देख चुका हूँ, तो यहाँ पे उस हिसाब से कुछ है नहीं। यहाँ से किसी कोई अगर आक्रमण करे तो उससे प्रोटेक्शन मिले या रहने का जगह या नहाने का जगह कुछ भी दिख नहीं रहा है। कि ये एक इतिहास है बंगाल का, और ऐसे जगह को अगर संभाल के ना रखा जाए तो अपना जो बंगाल का इतिहास है वो धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। तो ये जगह देख के लगता है कि यहाँ पे ये जगह बनाया गया था, यहाँ पे पानी हुआ करता होगा, यहाँ पे लोग, क्योंकि ये स्टेप्स बना हुआ है मे बी हाथ पैर धोने के लिए या कुछ, पता नहीं एग्जैक्टली क्या किस लिए ये बना था, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल से नीचे है तो ज़्यादातर कह सकते हैं देखे कि ये यहाँ पे शायद पानी स्टोर किया जाता था। तो चलिए हमारा यहाँ का समय पूरा हो गया है, अब बढ़ते हैं घर की ओर। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली आज के दिन का पहला जो टोल प्लाजा था, जो कि है सेकंड हुगली ब्रिज का टोल,
वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब अपना जो आज का राइड है लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। और यहीं से शुरू होता है क्योंकि इसी टोल को क्रॉस करने के बाद हम लोग शहर से बाहर जाते हैं और इसी टोल को क्रॉस करके फिर से शहर से अंदर आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो यहीं पे एंड किया जाए। पता नहीं, टोल तो ठीक है, बाइक से चलो नहीं लेते हैं, बाकी सब से लेते हैं, लेकिन रास्ता तो इतना अच्छा नहीं ना है, रास्ता भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहिए। आओ, इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग तो जानते ही है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ पसंद ना आए तभी कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद नहीं आया। तो इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑन दैट नोट दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त देव साइनिंग ऑफ।